आसाराम बापू और फिर बाबा राम रहीम, एक के बाद एक बाबाओं की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं श्रद्धा के प्रति सवाल या निशान खड़ा करती है। मुंबई की जनता इस बारे में क्या सोचती है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सी सर, आपका नाम? रिजवी जी। आए दिन बाबाओं की गिरफ्तारी हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, बाबा की गिरफ्तारी होना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ये चक्र चल रहा है बाबाओं का, आसाराम बापू थे, अभी राम रहीम हैं, उसके बाद आसाराम का लड़का साई है, तो आप ये देखिए कि ये बाबाओं के आश्रम या डेरे में होता क्या है, वहाँ पे जाते कौन लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग औरतें जाती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग जाते हैं जिनके पास बेरोज़गारी है, खाने के लिए पैसा नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है, उसके बाद जो हमारी समाज की संरचना है उसमें दबे कुचले लोग हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि जिनको सम्मान नहीं मिलता, गालियाँ खानी पड़ती हैं कि ये फला जात का है, ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, तो वहाँ पे अब वो डेरे में जब जाते हैं या आश्रम में जाते हैं तो उनको एक इक्वलिटी की फीलिंग होती है कि सब वो बाबा लोग उनको एक्सप्लॉयट करते हैं कि सब हम सब बरा तुम सब बराबर हो, ये सब करके उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है और भीड़ जमा की जाती है, क्योंकि कोई भी धंधा चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है भीड़, चाहे वो राजनीति करनी हो या वो बाबाओं का धंधा हो, ये इसी भी एक धंधा है, उसके लिए भीड़ चाहिए, तो इन गरीब लोगों को भीड़ के रूप में एकत्र किया जाता है। इसके बाद इसमें भी बड़े लोग शामिल होते हैं, दो ही लोग बाबाओं के पास जाते हैं या जो बहुत गरीब होते हैं, आप जनरली देख लीजिए, या गरीब लोग जाते हैं या वो जाते हैं घर की औरतें जाती हैं, या उसके बाद वो लोग जाते हैं जो नेता होते हैं, और वो सिर्फ आप, क्योंकि जनता वहाँ जाती है, नेता वहाँ फंडिंग करता है, अपने दो नंबर के पैसे को एक नंबर करता है, आश्रम को चलवाता है, लोगों को बुलाता है, वहाँ फ्री खाना खाने को मिलता है, वहाँ औरतें आती हैं, फिर वो एक वोट बैंक क्रिएट होता है, फिर वो उससे जहाँ पे वो बाबा या इस टाइप के जो लोग हैं संत लोग ये डायरेक्ट करते हैं कि इधर इनको वोट दो, फिर वो वोट के ठेकेदार बन गए, तो हमारा जो प्रजातंत्र है वो अब बीमार हो गया है, वो टूट रहा है, उसमें कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए। और ये बाबा, आप बताइए ये बाबा हैं तो ये कैसे चलेगा जेल में? आसाराम राम के भक्त, आप समझिए राम जो है वो दुनिया का उद्धार करने के लिए राम आए, ईश्वर हैं, भगवान हैं, नेता और ये संत ये उनका उद्धार करने चले, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप मंदिर में पूजा करवाइए, आप ये काम करो, ये सब क्या तरीका जो आप ढोंग लेके बैठे हुए हैं, क्या आप औरतों को बुला रहे हैं, कोई यहाँ जा रही है, बाबा राम रहीम वो अपना आगे देखिए फिल्म बना रहा है, आगे यहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड में काम कर रहा है, गाना गा रहा है, रैप कर रहा है, अभी आश्रम टूटा उसके पैसे निकले कहाँ गए, पैसे किसी को मालूम है, दो ट्रक लोग बोलते हैं कि सोना वहाँ से निकला, वो सोना कहाँ गया, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे का खेल है, ये बड़े किए जाते हैं, ये पेड़ पैदा किए जाते हैं, फिर इनको सींचा जाता है, इनको बड़ा किया जाता है, फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर जब ये इस्तेमाल के लायक नहीं बचते हैं तो फिर इनसे जैसे आप फल, जब बड़े पेड़ों में फल आते हैं तो फल तोड़ लिए जाते हैं, ऐसे इन बाबाओं के फल तोड़ लिए जाते हैं, इनके पैसे छीन लिए जाते हैं, इनको बिहाइंड द बार कर दिया जाता है, जो आज आसाराम बापू का हुआ, जो अभी राम रहीम का हुआ, अभी कल एक नया बाबा पकड़ा गया है, अभी देखिए हर बाबा के पास ये मंत्री और नेता क्यों जाते हैं, मंत्री और नेता बाबा के पास किस लिए जाते हैं, कुछ तो वजह होगी ना, सिर्फ अब इनका देखिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नेता हो, जो पॉलिटिशियन है जो हमारे राजनीति करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, आज के राजनीतिज्ञों ने सिर्फ ये सिंपल सा फंडा सोच लिया है जो ब्रिटिश यहाँ पे करते थे, जो अंग्रेज़ करते थे, कि इनको जनता को डिवाइड करो उसके बाद इनको रूल करो, ये हमको डिवाइड करते हैं, कभी रीजन के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी जात के नाम पे, ये पिछड़ा वर्ग है, ये यादव है, ये दलित है, फिर ये हिंदू है, ये मुसलमान है, फिर ये महाराष्ट्रियन है, फिर ये यूपी का है, तो ये सब डिवीज़न जो हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए ये बाबा पैदा किए जाते हैं, क्योंकि ये संरक्षण देते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने पास और एक ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं कि किधर तुमको वोट देना है, कहाँ तुमको वोट देना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये बाबाओं का ये खेल है, ये खुला खेल है जो हो रहा है, इसमें पीड़ित लोग जाते हैं और घर की औरतें जाती हैं, ज़्यादातर आपको मिलेगा कि यहाँ पर औरतें, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को बहुत दबा के रखा गया, जो हमारा समाज है उसमें आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बहन है, उस बहन से हमेशा कहा जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, घर में जो लड़का है, लड़के की उम्र है 5 साल, बहन की उम्र है 25 साल, 25 साल की बहन बच्चे को गोद में लेके पाल रही है, उसको संरक्षण दे रही है, लेकिन रक्षाबंधन जब आता है तो वो 5 साल का बच्चा आगे बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, नाक खुद की बह रही है, प्रोटेक्शन बहन दे रही है, रक्षा वो करेगा,
तो ये दिमाग में घुसा दिया गया कि जो जात जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो मेल फीमेल का हो, चाहे वो जात का हो, चाहे वो रीजन वाइज हो, चाहे रिलीजन वाइज हो, ये बहुत ख़तरनाक है इस देश के लिए। और अगर ऐसे ही चलता था तो इस देश के साथ अच्छा होने वाला नहीं है। और ये जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ लोग खरीदे हुए हैं, कुछ बाबा खरीदे हैं कुछ ट्रोल करने के लिए, कुछ पेड एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, और वो एक वो माहौल बनाते हैं देश के अंदर। तो ये सब उसी की एक कड़ी है, बाबा भी उसी चीज़ की एक, उसी राजनीति की एक कड़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि उसी राजनीति की एक कड़ी। बाबा रामदेव ने अभी आपको हरियाणा में जिताया बीजेपी को, उससे पहले पंजाब में कांग्रेस के लिए बोला, आसाराम बापू नरेंद्र मोदी के लिए बोलते थे, इधर ओवैसी के लिए कोई मुसलमान बाबा खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू बाबा की बात मैं कर रहा हूँ कि ये हिंदू बाबा गलत है, ये जितने भी कलौजी क्लास हैं ये सब ढोंगी हैं, ये सब के सब ढोंगी हैं, ये कुछ नहीं है। चाहे वो मुस्लिम कलौजी क्लास हो, चाहे वो हिंदू कलौजी क्लास हो, चाहे वो क्रिश्चियन कलौजी क्लास हो, चाहे वो जैन कलौजी क्लास हो, किसी का भी कलौजी क्लास हो, भगवान हमसे ये नहीं चाहता है। भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान ने कोई क्लैफ वो नहीं किया है, ना बाबाओं को कोई ठेका दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवाजी। जी, बाबाओं हर दिन ढोंग रचा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, सिस्टम इस पर कितना सक्रिय है, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर तो अभी अपन तो क्या कह सकते हैं, अपन आम जनता तो कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में, तो जो भी करना है तो अपने पॉलिटिशियन या पुलिस वाले को ही करना है। लेकिन सर, सिस्टम तो खुद सोया हुआ है, क्योंकि ये बाबा ही खुद अपने आप में एक सिस्टम बन चुके हैं। जो सुविधाएँ सरकार को देनी चाहिए वो ये बाबा देते हैं, जैसे मेस चलाना या शिक्षा प्रदान करना, ये सब बाबा कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो अभी वो तो सब चलाने सपोर्ट करने वाले भी वही इंडिया वाले ही है, सब कुछ उनको ही जमा करके ये करते हैं, तो उसके लिए तो नॉर्मल पब्लिक तो कुछ नहीं करने वाली है, उसके लिए उससे ना कुछ होने वाला है। तो इससे क्या आपकी श्रद्धा को धक्का लगता है या नहीं? नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस मुद्दे पे हम जानते कुछ और लोगों से। जी सर, आपका नाम? नवीन कर्मियानी। जी सर, सिस्टम बाबा को लेके कितना सक्रिय है, या क्या वो उनके साथ है या उनके अगेंस्ट? देखिए, बाबा लोग का जो मैटर चल रहा है फिलहाल, जो आराम रहीम का चल रहा है, आसाराम बापू का चल रहा है, मैं कहता हूँ कि लोगों को अभी अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, इंसानियत के नाते इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए, भगवान पे सिर्फ भरोसा रखना चाहिए। ये एजेंट लोग कोई काम के नहीं है, हर एक बाबा आज की डेट पे एजेंट बन गया हुआ है। दो रोटी कमाओ खाओ और अपने पे भरोसा रखो, इन पे भरोसा रख के अपना समय नष्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये राजनेता ही लोग तो अपने वोट बैंक के लिए उधर जाते हैं बाबाओं के पास। वो एक समय था, अब वो समय नहीं है। एक समय में बाबा लोग सही में कुछ ना कुछ शक्ति देती थी, आज वो शक्तियाँ उनके पास नहीं है, सिर्फ ढोंगी बने हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो क्या भगवान को सच में आज कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है, या सच्ची श्रद्धा से आज भी उनकी भक्ति की जाती है? भगवान की तो श्रद्धा ही की जाती है, पर जो उनके बाबा लोग हैं वो काफ़ी लोग ठीक है, काफ़ी लोग मतलब पैसे बनाने का चक्कर है और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि बाबा भगवान के नाम पर ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं? बहुत से बाबा ऐसे कर रहे हैं, अभी बाबा राम रहीम को ले लो, उससे पहले भी कुछ बाबा पकड़े गए जिनके बारे में लोग देख भी रहे हैं, लाइव चालू है, वीडियो दिख रहा है उन लोगों का, न्यूज़ चालू है, इनके लिए न्यूज़ में इतनी तकलीफ़ें हो रही है, पुलिस को इतनी तकलीफ़ें हो रही है कि इन बाबाओं के वजह से आज जो दंगे फरसाद होते हैं, ये सब तो गलत है, क्योंकि बाबा सिर्फ अपना घर चलाने के लिए बने, अभी कोई बाबा पहले जैसा नहीं रहा कि जो रियल बाबा था, और आज जो वो बाबा थे वो चले गए, जिनके हाथ में जो एक शक्ति थी, एक ताकत थी, एक ऊपर वाले की जो देन थी वो थी, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ अपने अपने घर को बसाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए बाबा बने, बाकी तो ऐसे कोई रियल बाबा नहीं है जो किसी के हक में या किसी के सच्चाई में या किसी के काम आ जावे, ऐसे कोई बाबा तो अभी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सर, आपका नाम? अकबर अली मकरानी। जी, तो क्या आपको लगता है कि भगवान के नाम पे ये अंधविश्वास फैलाया जाता है बाबाओं के द्वारा? फैलाया जाता है, फोन ऐसा है कि अभी सीडी के साईं बाबा देख लो कि इतना साल हो गया है फकीरी की हालत में, उन्होंने सबका पेट भरा है, यहाँ तो बाबा पेट नहीं भर रहे, दूसरे का पेट मार के अपना पेट भरा जा रहा है, बात तो ऐसी चालू है। आए दिन ढोंगी बाबा पकड़े जा रहे हैं, और कानून व्यवस्था इस पर उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है जितनी करनी चाहिए, इस पर आप एक
आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था सही है, वो लोग पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर एक्शन भी लिए जाते हैं और सही काम हो रहा है, कोई उसमें गलत काम नहीं है। जो गलत है उसको सजा मिल रही है, वो अपन देख रहे हैं। आशाराम बापू को भी मिला, राम रहीम को भी मिला। कुछ ही हफ्ते पहले रोहतक में जो कांड हुआ जिसमें मीडिया कर्मी और कई अन्य लोग मरे और घायल हुए, लेकिन सरकार उस पर काफ़ी सुस्त दिखाई दी थी, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार के सामने इतने प्रश्न है कि सब जगह उसका पहुंचना मुश्किल है, फिर भी जो कर रही है सही कर रही है और आज की सरकार एकदम सही पटरी पे चल रही है, तो उसके लिए सरकार के बारे में कोई दो मत नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जनता की प्रतिक्रिया कि ढोंगी बाबा को किस तरह सलाखों के पीछे होना चाहिए और श्रद्धा के नाम पर किसी को बांटना नहीं चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।